नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालेचा है और आज मैं आपको कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय बताऊंगी जो हमारी सुख समृद्धि के लिए, आर्थिक कष्ट को हटाने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आ रही है, घर में सुख नहीं आ रहा है, तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, अपने व्यक्तित्व में लेके आते हैं या अपने जो आसपास का जो वातावरण है उसके अंदर लेके आते हैं, तो हमारी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो लोग रात में चावल खाते हैं, दही खाते हैं, सत्तू खाते हैं, तो अगर इन चीज़ों का सेवन आप करते हैं तो लक्ष्मी माता का निरादर होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप समृद्धि चाहते हैं घर के अंदर, सुख समृद्धि चाहते हैं घर के अंदर, तो ये चीज़ें जो हैं, या आर्थिक कष्ट को हटाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों का सेवन, जैसे कि चावल हो गए, दही हो गया, सत्तू हो गया, इन चीज़ों का सेवन आप रात में बिल्कुल ना करें, इनको बिल्कुल अवॉइड करें इन चीज़ों को, तो देखिए आपके घर में कितनी बरकत होगी। एक चीज का और ध्यान रखें, कुछ लोग अपने छत पे ही कुछ अनाज डाल देते हैं कबूतरों के लिए, या बिस्तर सुखा देते हैं, गीले बिस्तर सुखाते हैं या गीले बिस्तर धोते हैं, तो ये छत पे बिल्कुल भी काम ऐसा नहीं करें। इससे हमारा जो ससुराल पक्ष से जो हमारा जो जो एक रिलेशन होता है वो कमज़ोर होता है, जो संबंध होते हैं वो हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं या जो रिलेटिव्स हैं या हमारा ससुराल पक्ष है, उससे खराब होते चले जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि छत पे कभी भी आप ना तो अनाज सुखाएं, ना बिस्तर सुखाएं, ना बिस्तर धोएं, ना अनाज को आप डालें कबूतरों के लिए या किसी पक्षी के लिए। घर में वास्तु दोष कम करने के लिए और शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए घर के मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर का या चांदी से 9 उंगल जितना लंबा, यानी 9 उंगलियों जितना लंबा और 9 उंगलियों जितना चौड़ा एक स्वास्तिक बना के हमेशा रखें, तो इससे आपका घर का वातावरण जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा शुभमय रहेगा। एक चीज़ और है, जैसे कुछ लोग यात्रा पे निकलते हैं, कोई जर्नी पे निकलते हैं, तो सारे के सारे एक साथ यात्रा पे निकल जाते हैं। कोई भी यात्रा अगर आपको करनी है, अगर आप घर से निकल रहे हैं, तो सारे के सारे जो घर के सदस्य हैं वो एक साथ ना निकलें, आगे पीछे होके निकलें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे यश में वृद्धि होगी और आपको कोई संकट भी नहीं आएगा, आप जो भी यात्रा करते हैं वो आपकी सफल रहेगी। हमेशा ये याद रखें, सप्ताह में यानी कि हफ्ते में एक बार मिश्री युक्त खीर बनाएं और परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके वो खीर खिलाएं। इससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न होती है और आपके घर में अच्छा रहता है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, आपके घर में अच्छा वातावरण आर्थिक दृष्टि से भी अच्छा रहता है और संबंधों में भी बहुत अच्छा रहता है। रात में सोने से पहले अगर आप एक घर के अंदर, अपनी रसोई घर के अंदर एक बाल्टी भरकर रखते हैं, तो उससे आप ये चीज़ सोचें कि आप जल्दी से जल्दी कर्ज मुक्त होंगे, शीघ्र से शीघ्र आपका जितना भी कर्जा है वो सारा का सारा चुकता हो जाएगा, आप कर्जहीन हो जाएंगे, आपके ऊपर से कर्जा उतर जाएगा, आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपके उन्नति के रास्ते भी खुलते हैं, अगर उनके अंदर बाधाएं आ रही हैं वो भी दूर होती हैं, तो ये उपाय आप ज़रूर करें। माना जाता है कि वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर हम अपने पश्चिम दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं तो हमारे को मानसिक शांति मिलती है, हमें मानसिक शांति का आभास होता है, हमारी आध्यात्मिक जो चेतना है वो जागृत होती है, और अगर आप उत्तर दिशा की तरफ पैर करके सोते हैं तो आपकी सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है, आपको संपन्नता मिलती है, आपको धन की प्राप्ति होती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका घर का मुख्य द्वार है उसके ऊपर दहलीज होनी बहुत ज़रूरी है, और अगर आपकी दहलीज नहीं है तो आप दहलीज बनवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो घर के अंदर प्रवेश करती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो इससे टकरा के वापस चली जाती हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अगर ये दहलीज किसी ना किसी कारणवश खंडित है तो आप उसे ठीक करवा लें, क्योंकि दहलीज का खंडित होना जो है वो परिवार के सदस्यों के अंदर समस्याएं पैदा करता है, आर्थिक संकट पैदा करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाता है।
एक चीज का और ध्यान रखें कि आपके घर में जितनी भी मूर्तियां हैं देवी देवताओं की जो आप पूजा घर में रखते हैं वो पूर्व और पश्चिम की तरफ मुख करके रखें। उनका मुख हमेशा पूर्व की तरफ होना चाहिए या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। इससे सुख और समृद्धि आती है घर के अंदर, और साथ ही जो पूजा घर का जो रंग होता है, दीवारों का जो रंग होता है वो हमेशा सफ़ेद होना चाहिए, हल्का पीला होना चाहिए या हल्का नीला होना चाहिए। इससे आपके घर में आर्थिक संकट अगर आने वाला है तो वो हट जाता है और आपके घर में परिवार में सदस्यों में एक सकारात्मक ऊर्जा का चयन होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर रहती है और नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं यानी कि नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो आपके घर से परे चले जाती हैं यानी कि हट जाती है। एक और तरीका है, अगर आप अपने घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक गिलास के अंदर पानी भर के रख सकते हैं। एक कांच का गिलास होना चाहिए, उसके अंदर पानी भर के रखें और उसके अंदर एक नींबू डाल के हमेशा रखें, जिससे कि जितनी भी आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो ये नींबू जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और जितनी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगी। इस नींबू और इस पानी को आप हर शनिवार के शनिवार चेंज कर सकते हैं यानी कि इसको बदल सकते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है, इससे जितनी भी घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है उनका विनाश होगा, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएँ समाप्त हो जाएंगी और घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का चयन होगा, सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगी। इसी के साथ मैं अपने इस विषय को यहीं पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर आपसे फिर से मुलाकात होगी, फिर से बात होगी। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। फिर से नए विषय के साथ मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।